धर्म समाचार में आपका स्वागत है। आज धर्म समाचार में हमारे साथ एक हमारे विशिष्ट अतिथि स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी हैं, जो कि अखिल भारतीय संत समिति एवं गंगा महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। मुझे आज बहुत खुशी है कि इन्होंने इतना समय निकाला और अपने व्यस्त कार्यक्रम में हमारे स्टूडियो आकर के हम लोगों को अनुग्रहित किया, अपना आशीर्वाद दिया। और साथ ही इस बात की मुझे खुशी है कि वो हमसे और आपसे बात करने के लिए राजी हुए। आचार्य जी, आपका स्वागत है। नारायण, एक्चुअली मोदी जी ने जब बनारस में गए, मोदी जी तो उन्होंने कहा माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। मोदी जी को कई बार माँ गंगा ने बुला लिया, लेकिन क्या माँ की हालत कैसी है अभी भी, क्या स्वरूप बदला? क्योंकि अगर हम देखें तो जब से हम लोग ये गंगा की सफाई की बात कर रहे हैं, पता नहीं कितने रुपए माँ गंगा की सफाई में कहाँ साफ हो गए, हमें पता नहीं। आपका क्या कहना है? आपका कहना सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा कि माँ गंगा ने उन्हें बुलाया है, और इस कारण वो काशी गए, लोकसभा का चुनाव लड़े, देश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी। लेकिन गंगा की समस्या तीन वर्षों में, जहाँ तीन वर्ष पहले गंगा जी थी वहीं तीन वर्ष बाद भी, ये सच है। लेकिन इसको सच्चाई के साथ प्रधानमंत्री जी ने अभी तीन वर्षों के कार्यक्रम में स्वीकार भी किया कि विभिन्न मंत्रालयों की उपलब्धियाँ तो हैं उनके सामने, लेकिन इस गंगा मंत्रालय में कोई उपलब्धि ही नहीं है, ऐसा उन्होंने साफगोई से माना। इसके पीछे दो तीन जो वजह हमारी समझ में आती है कि गंगा जी बेसिकली हैं तो धार्मिक विषय, भारत की आस्था के साथ जुड़ी हुई, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई नदी नहीं है, गंगा से लंबी नदी भी होंगी, गंगा से ज़्यादा जल प्रवाह वाली नदियाँ भी होंगी और गंगा से बड़े भूभाग वाली नदियाँ भी होंगी, लेकिन गंगा का बेसिन पूरे विश्व की कुल आबादी के 10% भू किस जनसंख्या का भरण पोषण करती है, अर्थात 65 करोड़ की आबादी का, 9 राज्य इसके बेसिन में है, 5 राज्य सीधे आते हैं। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी बात है कि दुनिया के अंदर अन्य नदियों के प्रति इतनी बड़ी श्रद्धा नहीं है जितनी और गंगा के प्रति जो श्रद्धा है, और गंगा के साथ एक नदी का अपना जीवन है, लेकिन इस नदी के साथ हमारे जन्म से लेकर के मृत्यु तक के हमारा जीवन भी लगा, हमारा संस्कार भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। इस नाते हम जो कुछ भी कर रहे हैं गंगा के लिए, तो बाकी नदियों को हम प्रिजर्व कर सकते हैं, दुनिया के अंदर संरक्षित करना, मैंने उसको टेम्स को क्या किया है, प्रिजर्व किया है, उसको हमने कंजर्व नहीं किया है, गंगा के साथ कंजर्वेशन की परिस्थिति पैदा करनी है। उस परिस्थिति में कि गंगा बहती रहे, हमारा जो जीवन प्रवाह है वो भी चलता रहे, हमारे तीज त्यौहार पर्व कुंभ के मेले छोटे बड़े सभी लगते रहें उसके किनारे। और इससे जो बड़ी बात है गंगा के साथ कि हमें उन परिस्थितियों में गंगा के लिए काम करना है जब गंगा के किनारे 8 महानगर, 22 नगर पालिका और छोटे बड़े 123 शहर और 1000 गांव जिनका सीधा कचरा गंगा में आकर के गिरता है, इन सबको रोकते हुए काम करना है, तो कहीं ना कहीं बाधा भी है और चुनौती भी है वर्तमान प्रधानमंत्री जी के लिए। नहीं तो आचार्य जी, बात यह है कि वर्तमान प्रधानमंत्री जी जब मोदी बने उसके पहले भी इस पे काम हुआ, गंगा महासभा भी है, कितनी और अगर हम देखें तो जैसे काशी में ही नहीं बल्कि गंगा के जो और जो बड़े शहर हैं उनमें भी इस तरह की सभाएं चल रही हैं, लेकिन गंगा क्यों नहीं इस पे काम हो रहा है? दूसरी बात यह है कि अगर देखें तो जैसा 80 घाट से लेकर के और राजघाट तक जितने घाट बने हुए हैं उनमें कोई बहुत मैसिव परिवर्तन नहीं आया, तो जैसे आपने बताया, तो इसमें आखिर में सबसे बड़ा बॉटल नेक कहाँ है? अगर पर्टिकुलर हम वाराणसी एक प्लेस को देखें तो 1927 में महामना मालवीय के कहने पर लॉर्ड इरविन ने एक सर्वे करवाया काशी के घाटों को लेकर के, ये घाट कैसे बचेंगे, क्योंकि घाटों में क्षरण, विभिन्न जगहों से छोटी बड़ी नदियां आकर के, नाले आकर के गंगा में मिल रहे थे। पूरे विश्व के अंदर एक नई क्रांति का जन्म हुआ था इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, 3 ढलान के सिद्धांत का, अगर उसको शेरो शायरी की भाषा में कहें
तो खुद राह बना लेगा, बहता हुआ पानी है तो गंगा सबसे नीचे बह रही है, तो लिहाजा ऊपर से सीवर के नाले, बरसाती नाले सब गंगा में जाकर के मिल जाएंगे। इसलिए इस पर हमें कोई काम नहीं करना। और बनारस के अंदर जेम्स प्रिंसेट नाम का एक डीएम, जिसने नगरी अवस्थापना को उसने इस रूप में देखा कि ये सारे नाले गंगा में गिरे और नालों और अब वो गिरने शुरू हो गए। इसके बाद से हमने एसटीपी नाम का एक शब्द गढ़ा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ये जो ट्रीटमेंट शब्द है, इसमें टेक्नोलॉजी सबसे घातक है कि पूरे दुनिया में अन्य देशों ने सभ्यता के अनुसार अपनी अपनी टेक्नोलॉजी चेंज की। हमारे पास आज भी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, 50 साल पहले भी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। और जो सरकार है, हमने पहले भी कहा कि विषय तो आस्था का है, ये ऐसे ही है जैसे हमारी माँ बीमार हो, तो माँ हमारी है इसलिए हमारी गहरी आस्था है। लेकिन इलाज कोई योग्य डॉक्टर करेगा, यहाँ डॉक्टर के प्रोफेशन में आस्था हमारी काम नहीं आएगी, वहाँ डॉक्टर की डिग्री काम आएगी, उसकी जो जांच करने वाली मशीनें हैं, ऑपरेशन करने वाली बेहतरीन तकनीकी जो है वो काम आएगी। आस्था तो हमारी हो सकती है क्योंकि मेरी माँ है, तो हम कभी प्रोफेशनल डॉक्टर से इलाज कराना ही नहीं चाहते। बिग प्रोजेक्ट, बिग मनी, बिग कमीशन का खेल पिछली सरकारों में भी चलता था और इस सरकार में भी ये चल रहा है, वो चाहते ही नहीं। लेकिन आचार्य जी, जैसा आपने कहा कि अगर इसमें जो मेन जो चीज़ है वो हमारी ही अपनी कमजोरी है जिसके कारण गंगा नहीं हो पा रही है, तो आप लोग इतने बड़े बड़े आंदोलन चला रहे हैं, तो ये बात अपनी सरकार तक क्यों नहीं पहुँचाते? बात तो सरकार तक तो पहुँचती है। 2014 के जुलाई में गंगा मंथन के नाम से कार्यक्रम हुआ, कुछ एक 400-500 संगठनों से जो लोग गंगा पे काम कर रहे थे दिल्ली बुलाए गए सरकारी खर्चे पे। सबके विचार सरकार ने सुने, कंपाइल भी कर दिया, लेकिन वो विचार कहाँ चले गए, किस रद्दी की टोकरी में चले गए, तो ये कहना कि सरकार ने सुना नहीं, ये भी गलत होगा। सरकार ने ही बुलाया था, लेकिन उन विचारों का पर क्रियान्वयन नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। इसके पीछे जो मुझे बात समझ में आई कि 3 साल में 4 NMCG के डायरेक्टर, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इसके 4 डायरेक्टर बदल गए। गंगा मंत्रालय में जो सचिव को काम करना है, तो हर नया सचिव आता है और रामकोला की भागवत शुरू हो जाती है, फिर कोई न कोई एक व्यक्ति अपना प्रोजेक्ट लेकर के आता है, उसको उस प्रोजेक्ट का डिमॉन्स्ट्रेशन करता है कि सर देखिए मेरा प्रोजेक्ट कितना अच्छा है, वो अधिकारी सुनता है, इसके बाद से कहता है इस पर काम आगे बढ़ाओ। मैं आपको तब ऐसे साल और गुजर जाता है, तब तक समय निकल जाता है। 3 सालों में हुआ यही है कि एक वैज्ञानिक एक प्रोजेक्ट, और मेरी जानकारी में 1050 से ज्यादा ऐसे प्रोजेक्ट सरकार के पास लंबित हैं कि वो गंगा पे अभी और रिसर्च करना चाहते हैं। काम तो बहुत दूर की बात है, लिहाजा प्रोजेक्ट डाल करके इससे गंगा का काम नहीं होने वाला। और दूसरे शब्दों में मैं ये कहूँ कि वास्तव में जो संगठन गंगा को माँ मान करके काम कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री की भावनाओं के साथ भी और उन संगठनों के भावनाओं के साथ भी कहूँ तो गंगा मंत्रालय, उसके मंत्री हो या अधिकारी, इमोशनल अत्याचार में कहूँ भावनात्मक रूप से बलात्कार कर रहे हैं गंगा के सवाल पे। ये प्रधानमंत्री के साथ भी हो रहा है और गंगा को माँ मानने वाले गंगा के पुत्रों के साथ भी हो रहा है। हम लोग अगर देखें तो जैसा बनारस में अभी जो पोजीशन है, इतने सारे कमीशन बैठे, इतने सारे जैसा कि आप कह रहे हैं वो बैठे, तो ये लोग क्या गंगा जो काशीवासी हैं या ये लोग हैं, उन लोगों ने कोई लोकल प्रयास भी कभी शुरू किया, या हम सिर्फ सरकार के सहारे बैठे हुए हैं? क्योंकि अगर जनता चाहे तो ये सब कुछ रोक सकता है। देखें, जनता सीवर के नाले गंगा में गिरने से नहीं रोक सकती, जनता क्या करेगी? सरकार, टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट और जनता, चारों के अलग अलग कर्तव्य हैं। सरकार नीतिगत स्तर पर फैसला लेकर के पैसा दे सकती, जो प्रधानमंत्री ने किया, 20,000 करोड़ रुपए गंगा मंत्रालय को पहली बार इतना बड़ा पैसा मिला। याद करिए कि 1985 में गंगा एक्शन प्लान के समय राजीव गांधी की श्रद्धा थी, श्रद्धा से वशीभूत होकर के, क्योंकि उसके 5 साल बाद ही 91 के आसपास, याद करिए कि देश आर्थिक उस दौर से गुजर रहा था जब देश के कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए देश का सोना गिरवी रखा गया था। उस समय में 500 करोड़ रुपए अमुक्त करना गंगा के लिए
प्रधानमंत्री की डिलीवरी थी, राजीव गांधी को इसके लिए बधाई है। लेकिन उस पैसे का क्या हुआ, लक्ष्य का 20% और राशि का 500%, ये बढ़ गया। जो 500 करोड़ का प्रोजेक्ट था उस पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए और लक्ष्य सिर्फ 20% प्राप्त हुआ और गंगा एक्शन प्लान फेज 1, फेज 2, फेज 3, 4 भी आ गया, ये चला। अभी वर्तमान में क्या हुआ, प्रधानमंत्री जी ने 20,000 करोड़ रुपए शासन के स्तर पर निर्णय हो गया, गंगा मंत्रालय के स्तर पर जो राज्य और केंद्र के बीच अधिकारों का बंटवारा था वो जब तक हम नया कानून नहीं लाएंगे तब तक ये संभव नहीं है, क्योंकि नदी के जल पर राज्य का अधिकार है, जल को हमने संसाधन माना। दुर्भाग्य देखिए, नदी को हम लाइव स्टेटस दे रहे हैं मनुष्य की तरह से, मनुष्य और नदी दोनों को हमने मान क्या लिया है, संसाधन। ये साध्य नहीं है, ये सिर्फ संसाधन है, इनका हमें उपयोग करना है। उपयोग में शोषण भी है और इनका दोहन भी है, तो हम दोहन करेंगे कि शोषण करेंगे ये तो बाद का विषय है, लेकिन असल खेल यह है कि प्रधानमंत्री ने धन दिया। लेकिन नीतिगत स्तर पे 3 साल हो गए और जस्टिस गिरधर मालवी की अध्यक्षता में कानून बना करके नेशनल रिवर एक्ट मंत्रालय को सौंप दिया और मंत्रालय में खेल देखिए, बाबुओं ने मिल करके एक जिन लोगों ने अपनी योग्यतम क्षमता से इस विधेयक को बनाया, जे जे। उनके जूनियर मैं ये कहूँ कि एज ए निजी सचिव काम किए हुए लोगों को ऐसे बुद्धिजीवियों के बनाए हुए एक्ट की समीक्षा करने का काम दे दिया। आप भावनाओं से नहीं खेल रहे, गाली सुनने का काम नहीं कर रहे, तो आप कर क्या रहे हैं। इसके बाद से ये अपनी रिपोर्ट देंगे, ये रिपोर्ट जाएगी लॉ फैकल्टी को मंत्रालय के अंदर, लॉ फैकल्टी क्या करेगी, फिर वो कैबिनेट को जाएगी। आप इसमें पूरे 5 साल बिता देंगे, पूरा खत्म हो जाएगा समय, फिर से बैताल उसी डाल पर, विक्रम के सवाल का कोई जवाब नहीं। अगर हम माने गुरु जी, तो बात ये है कि हम लोग बहुत से प्रयास कर रहे हैं लेकिन उनका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, और उस रिजल्ट के ना आने से आज भी माँ गंगा बिल्कुल उसी तरह से अविरल बहती चली जा रही है। लेकिन क्या आपके हिसाब से, अगर आप लोगों को कहा जाए कि जो अखिल भारतीय संत सभा है या ये लोग हैं, इन लोगों का क्या विचार है कि ये कैसे ठीक हो सकता है? ठीक करने के 2 रास्ते हैं, अखिल भारतीय संत समिति और गंगा महासभा, दोनों ने लंबे समय तक संयुक्त रूप से गंगा के आंदोलन को चलाया। गंगा का आंदोलन उस दहलीज पे पहुंचा जब भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये लिख के दिया कि गंगा हमारी संवेदनाओं का विषय है, हम घोषणा पत्र में शामिल करेंगे, गंगा का मंत्रालय बनाएंगे। गंगा का मंत्रालय भी बन गया। अभी एक काम कि नेशनल रिवर एक्ट को अविलंब संसद के पटल पे ला करके इस बिल को पास करा दें, और ये बिल पास होते ही गंगा का सारा अधिकार भारत सरकार के पास आ जाएगा। उदाहरण के लिए बताऊं कि जब गंगा महासभा ने दबाव बनाया तो आनन फानन में इन्होंने NMCG जो एक NGO था UPA गवर्नमेंट के समय, उसको अथॉरिटी के रूप में आपने बदल दिया। अथॉरिटी को 1,000 करोड़ रुपए खर्च करने का अधिकार है। इसमें एक टेक्निकल बात बताता हूँ कि इसका नाम नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा क्यों, मिशन शब्द क्यों है, मिशन शब्द को जोड़ने मात्र से 1,000 करोड़ रुपए में, क्योंकि 50 करोड़ रुपए से अधिक का ठेका देने के लिए आपको ग्लोबल टेंडर मंगाना पड़ेगा, और आप 1,000 करोड़ का काम दे देंगे बगैर टेंडर के और अपने चहेते के, तो सिर्फ इतने के लिए आपने मिशन शब्द जोड़ रखा है, तो धोखाधड़ी तो गंगा पुत्रों के साथ मंत्रालय ने कर रखा है अथॉरिटी बना करके। अब वर्तमान में ये कहीं सोल्यूशन, नेशनल रिवर एक्ट संसद के पटल पे लाइए, इसे पास कराइए। इसके बाद से दूसरी एक बात कहता हूँ, जनता की भागीदारी सुनिश्चित कीजिए, इसलिए कि NMCG से सलाहकार बनकर के लाख रुपए महीने का वेतन उठाने वाले लोग, गंगा के साथ उनकी कोई और न गंगा पुत्रों के साथ कोई भागीदारी है, जिनकी रोजी रोटी गंगा से जुड़ी है। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ कि जो गंगा का स्टेक होल्डर है, मछुआ, नाविक, पंडा, पुरोहित, जिनकी गंगा के साथ सीधा रिश्ता है, जो गंगा पुत्र है, ये कहाँ जुड़े हुए हैं। और रही बात है कि गंगा में मल जल जा रहा, गंगा में नाले जा रहे, तो इन नगर पालिकाओं पे शिकंजा कसने का काम जनता का नहीं है, ये सीधा सीधा काम जो है ये सरकार का है, सरकार तय करे नाले कहाँ जाएंगे, गंगा में नहीं जाएंगे। उदाहरण के लिए इस तरह से सीवेज प्लांट के थ्रू जाएंगे, सीवेज प्लांट बनाना उनका काम है, जर्मनी से टेक्नोलॉजी लाइए, इजराइल से टेक्नोलॉजी लाइए,
अमेरिका से टेक्नोलॉजी, आप सिर्फ वार्ता करेंगे, तीन सालों में सरकार सिर्फ बात कर रही है, टेक्नोलॉजी किसी विदेश का हायर नहीं किया, किसी टेक्निकल लोग के साथ आपकी कोई मीटिंग नहीं होती है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, ये पहली बार आपके चैनल पर ही इस तरीके की बात मैं कर रहा हूँ जी जी, कि इंटरनल तौर से मंत्रालय पूरी तौर से पंगु है। अभी 15-20 दिन पहले उसके पुनः सचिव बदल गए, अब नए सचिव आए, अब नए सचिव को गंगा का दर्द जो है, ये तो हाल वही है कि बेड वही है, माँ आपके बिस्तर पे है, हर नया डॉक्टर आएगा और आपसे केस हिस्ट्री पूछेगा और नई नए और नए जांच के लिए नई जांच, हाँ नया जांच अब आप कराइए और नई रिपोर्ट लाइए, फिर दवा लिखी जाएगी, फिर मैं दवा लिखूं, हाँ ये धंधा चलता रहेगा इनका। लेकिन अब गुरुजी, अब तो मिनिस्ट्री सेंट्रल की और स्टेट की दोनों अब तो वही है, गंगा का जल भी वही है, गंगा भी वही है, तो अब आपको लगता है कि क्या कुछ इस पे तेजी से कुछ कार्य होगा? योगी जी आ गए, मोदी जी आ गए, ये बताएं, टेक्नोक्रेट और ब्यूरोक्रेट ये दोनों तो वही है, नहीं वही है लेकिन बनाने वाले तो अब दोनों का मन एक है, पहले तो कहते थे कि अलग अलग मन है, सरकारों का मन तो एक है, अब तो एक है। हम ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य और केंद्र का तालमेल बैठ सकता है जी, लेकिन इस तालमेल को बिठाने की जिनकी जिम्मेदारी है, सेक्रेटरीज और ब्यूरोक्रेट्स, सेक्रेटरीज और लीडरशिप को भी मैं कहूंगा कि लीडरशिप जिनको आदेश देना है कि आप बैठ करके चीजों को तय करो, तो मेरा मानना है कि सबसे हास्यास्पद स्थिति तो ये है कि गंगा में कुल कितने नाले गिर रहे हैं, ये केंद्र का सर्वे अलग है, राज्य का सर्वे अलग है और प्राइवेट एजेंसियों के सर्वे अलग है। पहले इस पर तो एकमत हो जाए कि नाले कितने गिर रहे हैं, कितने को बंद करना है जी। हम लोग बात कर रहे थे कि आखिर माँ गंगा में गिरने वाले नाले, चाहे वो प्राइवेट एजेंसीज के सर्वे में अलग हों, गवर्नमेंट के, दो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के सर्वे में अलग हों और सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्वे में अलग हों, बनारस में एक और भी बड़ी चीज़ है जिसको कि बनारस के लोग मजाक मजाक में कभी कभी नगर पालिका भी बोलते हैं, लेकिन वो नगर पालिका है, उस नगर पालिका का क्या रोल है? कूड़ा उठान और नियंत्रण, नगर को साफ सुथरा रखना किसी भी नगर पालिका की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है, व्यवस्थाओं को बनाने की। जहाँ तक गंगा का प्रश्न है, 8 नगर महापालिका गंगा के किनारे हैं जी, और मेरा मानना है कि अगर आप समाधान की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले एक्चुअल में नाले कितने गिर रहे हैं इसका सर्वे कराइए, फिर एसटीपी में उदाहरण के लिए 250 MLD की एसटीपी आप बना रहे हैं और वाराणसी में सीवर कितना निकल रहा है, तो 450 MLD, तो फिर तो 200 MLD सीवर कहाँ जाएगा, तो गंगा में ही जाएगा, एक शहर की। इस नाते कि जब तक समग्र योजना और आगे के 20 साल को ध्यान में रख के, ये 20 साल कौन सा कि योजना पूरी होने के बाद कितने साल में आप एसटीपी पूरा करेंगे, अगर पैसे की समस्या नहीं है तो मुझे क्यों लगता है कि ये टेक्नोक्रेट अथवा ब्यूरोक्रेट समग्र योजना बना के देने में इतनी हिचक क्यों है इनको, और इस नाते समाधान नहीं निकलता है ये निर्मल गंगा के प्रश्न पे। जहाँ तक गंगा बहे, गंगा में पर्याप्त मात्रा में जल प्रवाह रहे, इसके लिए मिनिमम इकोलॉजिकल फ्लो, नेचुरल फ्लो, इन्वायरमेंटल फ्लो, तीन प्रकार के जो शब्द हैं, इस तीनों प्रकार के फ्लो के बारे में सरकार को नीतिगत निर्णय लेना पड़ेगा, और इस नीतिगत निर्णय के बाद एक चीज़ और तय करनी पड़ेगी कि ये जो बॉडी हो ये स्वतंत्र हो, किसी सत्ता के दबाव में ना हो गंगा पुत्रों का, क्योंकि माँ की सुरक्षा के लिए अगर बेटे के भाव से आप काम करेंगे तो माँ की रक्षा हो सकेगी, अन्यथा दुनिया के अन्य देशों की तरह एक नदी है और उनके लिए एक केस है, एक केस जैसे माँ तो हमारी है ना, डॉक्टर के लिए तो एक, तो केस, एक केस है, हम उसी प्रकार बाकियों के लिए एक केस है, अगर इस तरीके से विचार करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इस समस्या का हम कभी समाधान दे पाएंगे। ये मंत्रालय भी चलते रहेंगे, यहाँ बड़े बड़े सलाहकार जो है रायचंद सलाह भी देते रहेंगे, और इन सलाहकारों के बूते जो है आप आम जनमानस में कोई धारणा नहीं बना पाएंगे, अंत में नकारात्मक छवि बनेगी, गंगा के सवाल पर हिंदू जनमानस रिएक्ट कर जाएगा और उसके परिणाम बहुत घातक होंगे किसी भी सत्ता और सरकार के लिए जी। ये बात तो है गुरुजी कि अगर हम सब की
सिर्फ ना सिर्फ मोदी ने ये बात कही, बल्कि जो भी बनारस को जानता है उसका दो चीज़ों के लिए उसका सिर नमस्तक झुकता है, बाबा विश्वनाथ और माँ गंगा। लेकिन इसके बाद अगर आपके इतने बेलाग विचार हमने सुने, हमने सुना है कि आप बहुत से और कार्य करते हैं, जैसे कुछ बेटियों से जुड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं और भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो उन कार्यों में आप इतना समय कैसे निकालते हैं और वो कार्य क्या हैं? संन्यास की दो परंपराएं हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग जी। स्वामी विवेकानंद आचार्य शंकर एक समाज सुधारक के रूप में हैं, मैं आचार्य शंकर की परंपरा का सन्यासी हूँ, तो स्वाभाविक है। रही बात, हमारे प्रधानमंत्री जी भी प्रतीकों में विश्वास करते हैं, प्रतीक की राजनीति कहते हैं, तो मैं धार्मिक प्रतीकों में विश्वास रखता हूँ। उदाहरण के लिए, गंगा भी किसी की बेटी है जी। वो हिमालय की भी बेटी है और ब्रह्मा के कमंडल से निकली थी, इसलिए ब्रह्मा की भी पुत्री है, तो ब्रह्मद्रवा ब्रह्मपुत्री इस रूप में हम जानते हैं। तो अगर हम एक पुत्री की रक्षा की बात करते हैं तो क्या कोख में पल रही पुत्रियों की रक्षा की बात नहीं की जा सकती? कन्या भ्रूण हत्या को रोकने की दिशा में गंगा से जोड़ करके हम आगे नहीं बढ़ सकते? प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो बेटियों को बचाना और बेटी को पढ़ाना, तो गंगा अगर बेटी है तो क्या बेटी के रूप में हम उसको नहीं बचा सकते? उदाहरण के लिए, गंगा का नैहर उत्तराखंड है और ससुराल काशी है, भगवान शिव से व्याही है। तो हिमालय में अपने पति की जटाओं से उतरने के बाद गंगा सागर तक उसके पति से मिलने का सिर्फ एक ही स्थान है 2,500 किलोमीटर में, हजारों किलोमीटर की यात्रा करके थक करके आती है, तो पति से मिलती है सिर्फ काशी में, काशी का महत्व बढ़ जाता है। धार्मिक प्रतीक के रूप में देखिए, तो नैहर में क्या बेटी को अपने बाप के घर में, भाई के घर में, अरे हम तो उस परंपरा के लोग हैं कि गांव की बेटी के लिए पूरा गांव खड़ा हो जाता था, मार करने के लिए लड़ बैठता था, बेटियों की इतनी इज्जत गांव में, गांव में बच्चे किसके घर में खा लिए, किसकी गोद में पल गए, गांव के बच्चे हैं, गांव की बात होती थी। तो उत्तराखंड की बेटी है, अगर हिमालय की बेटी है, ब्रह्मा की बेटी है, तो उत्तराखंड में क्या ऐसी स्वतंत्रता नहीं चाहिए? तो बांधों के जकड़न से मुक्ति गंगा को मिलती है, तो बेटियों को भी उसी परिप्रेक्ष्य में स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए? तो इन सारे कामों को विभिन्न संस्थाओं के साथ जुड़ करके, सारा समय तो इन्हीं कामों के लिए है, तो क्या बेटी को आधार मान करके गंगा भी बेटी है और बाकी बेटियां भी बेटी हैं? बेटियां। इसी रूप में हमने पिछले गंगा दशहरा का जो काशी में गंगा अवतरण दिवस था, तो गंगा आज पैदा हुई है, इसलिए पूरे देश के टॉप मोस्ट किन्नर आर्टिस्टों ने सोहर गाए, जम के नाचा उस दिन, किन्नर अखाड़े के लोग आए और उन्होंने खूब मन से गाए बजाए, और 1100 कन्याओं का हमने, जो 9 वर्ष से कम अवस्था की थी, उन कन्याओं का हमने पाद पूजन किया। पूजन करके सोचा इनको दक्षिणा क्या दूं, अगर नकदी देता हूं तो उनके माता पिता के हाथ चला जाता है, उनको वस्त्र देता हूं तो कई दिन पहनेंगे, तो हम लोगों ने तय किया कि दक्षिणा के रूप में हम इन्हें बस्ता देंगे, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो ये बस्ता देंगे, इस बस्ता के अंदर इनका एक टिफिन का डिब्बा भी हो, पानी की बॉटल हो, एक पूरे एक वर्ष स्कूल जाने भर की इनकी सामग्री भी, पुस्तक के अलावा, क्योंकि कक्षा तो तय नहीं है। तो ये दक्षिणा इतनी भाई कि 1100 कन्या पूजन हमने तय किया था और लगभग 1250 से ज़्यादा कन्याएं उस कार्यक्रम में आईं। परिणाम, यूपी गवर्नमेंट ने स्कूली बस्ता इस रूप में देना है हमें, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया इस कार्यक्रम को, और मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि हम भी करेंगे, हम तो हर साल करेंगे, कि मई जून के समय में, इस समय जो छुट्टियों के समय में गंगा दशहरा या गंगा सप्तमी पड़ती है, हम गंगा के रूप में इन कन्याओं का पूजन करेंगे और इनको बस्ता दे देंगे कि जुलाई से स्कूल जाओ, पूरी पढ़ाई करो। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या भ्रूण हत्या रोको, कन्याओं को बचाओ, उनको सम्मान दो, सारे स्वरूपों को प्रतीक के रूप में गंगा के बहाने हम सहेज लें। चलिए स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पधारे। जुड़े रहिए धर्म समाचार से, हर दिन जरूर देखें, क्योंकि इसमें धर्म से संबंधित समाचारों को प्राथमिकता ही नहीं, बल्कि हम कहें तो सिर्फ उन्हीं चीज़ों को हम लेते हैं जो धर्म से जुड़ी हुई हैं। इसमें मार धाड़ नहीं है, इसमें कोई क्राइम नहीं है, ये बिल्कुल एक अलग तरीके का समाचार है। और अगर आपके पास भी, अगर आपके आसपास भी अगर कोई भी इस तरह का समाचार है धर्म से जुड़ा हुआ, तो
तो आप हमें हमारे नंबरों पर बात करके हमें भेज सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।